दर्शक बंधु पंचायत निर्वाचन पर वर्तमान राज्य में पौर निर्वाचन माहौल रही पौर कहले पौर परिषद विज्ञापित अंचल परिषद एवं महानगर निगम गुड़िक निर्वाचन प्रक्रिया वर्तमान आरंभ हो विभिन्न स्थान में प्रार्थीपत्र दाखल कार्यक्रम जारी रही। गंजाम जिलार कोदला एनएसी विज्ञापित अंचल परिषद निर्वाचन वर्तमान हो आम अच्छु जन वरिष्ठ कांग्रेस नेता सहित पुरुखा नेता वरिष्ठ नेता एवं से वर्तमान से आर्मघाटी रही दीर्घ दिन अभिज्ञता रही कोदला राजनीति उपर कोदला राजनीति उपर कौन माहौल बर्तमान रही कोदला विज्ञापित अंचल परिषद निर्वाचन को नहीं से कौन देखुं पाखर सहित विस्तृत भाव आलोचना करवा स्वागत करी सकाल खबर तरफ सर आपन को स्वागत धन्यवाद। सर आप प्रथम दर्शक मान परिचय दे मोर हूँ जगन्नाथ प्रधान आडभकेट कोदला मोर निजर जन्मस्थान हूँ सचिना जगन्नाथ वर्तमान पौर निर्वाचन आसी एनएससी रे कोदला एनएससी रे निर्वाचन होती आप दीर्घ दिन कांग्रेस सक्रिय भाव रही राज्य जो विरोधी दल रही कांग्रेस सेतटा आखि दृश्य वर्तमान तार विरोध प्रदर्शन कर पार नहीं लोक निकटतर हो पार नहीं मु 2000 मसीह कांग्रेस दल तरफ रामकृष्ण पट्टनायक विरुद्ध प्रार्थी हुई कोदला निर्वाचन मंडल निर्वाचन लड़ी से कांग्रेस कहले कोदला पड़ोसा प्राय गड़ था कहले चले किंतु कालक्रमे एठिकार कैंडिडेट मैंने जो मैंने आसिले परवर्ती कैंडिडेट मैंने जो मैंने आसिले कांग्रेस तरफ से किए खलिकोट रू आसिले तो किए बाहर अन्य निर्वाचन मंडल आसिक कैंडिडेट जहाँफल निर्वाचन सरपर से कांग्रेस लोकों सहित अर्गानाइजेसन सहित से किसी संपर्क रहा संपर्क न रहा फल आस्ते आस्ते दीर्घ 14-15 वर्ष है कांग्रेस संगठन प्राय भांगी जाए कह चले कि आम बर्तमान गोटे नुआ पिला को पाइचु गोटे यंग पिला को पाइचु कांग्रेस कैंडिडेट चेयरमैन कंटेस्ट करने से ही पिलार बहुत सांगसाथी अच्छी नुआ धरण भाव में आम युवक मानकर कांग्रेस तरफ जो कैंडिडेट हम फाइट करने निष्पत्ति कर कोदलार कौन कौन समस्या रही जहाँकि निर्वाचन में प्रमुख मुद्दा रही है कोदलार दीर्घ दिन है कोदला वकिल संघ दाबी कर जे कोदलार गोटे सब जज कोर्ट हम तथापि राजनैतिक इच्छा शक्ति अभाव मैं सब जज कोर्ट प्रतिष्ठा करवा विलंब हो गला तथापि वकिल मान अदम्य साहस और आंदोलन फल कोदलार सब जज कोर्ट प्रतिष्ठा है से हीपरी कोदलार जे राजनैतिक इच्छा शक्ति अभाव जो मैंने रही क्षमत एमएलए हेले से मैंने कोदलार गोटे एडीजे कोर्ट बसवाई बहुबार विरोध कले कि तथापि कोदलार वकिल संघ विशेष भाव जगन्नाथ प्रधान नेतृत्व में जो आंदोलन दीर्घ दिन चलना नौ मास आंदोलन से आंदोलन जो कृतकार्य है कोदलार एडीजे कोर्ट प्रतिष्ठा है ये हूँ न्यायपालिका कथा एवं सामूहिक विकास कथ सामूहिक विकास फल कोदलार जनसाधारण चाहते कोदला गोटाए हूँ अति पुणा तहसिल एवं ओडिशार गोटे द्वितीय नंबर तहसिल था कि कालक्रमे से भांगी टुकड़ा टुकड़ा होता किंतु कोदलार जनसाधारण चाहते जे कोदला को गोटे सब्डिजन करें कोदला लोक जनसाधारण चाहते एकदम मुख्य दावी कोदला जदि कह सर बर्तमान पौर निर्वाचन आनएससी निर्वाचन हो दीर्घ दिन धरी सीट खाली था चेयरमैन पदवी आपण कांग्रेस तरफ कि रणनीति प्रस्तुत होनएससी निर्वाचन को किभ विजय लाभ करणनीति रोचे आम कोदला जन अति शिक्षित युवक लोक को वर्तमान प्रार्थी करुचु ना हूँ गोपत पड़ा से पड़ा को आम प्रार्थी करदला कलेज बहुबार राजनीति कर बहुत युवक सहित संपर्क रखी से जरिया युवक मान जरिया आम प्रत्येक घर घर बुरी कांग्रेस जो प्रिंसिपल कांग्रेस जो आइडल रही नहींक आम घरे घरे पहुँचे जेहेतु इंदिरा गांधी ना इंदिरा आवास रही इंदिरा गांधी जे समाजवादी आंदोलन को जोरदार कर भूसंस्कार
ଆନ୍ଦୋଳନ ପାସ୍ ଭୂସଂସ୍କାର ଆଇନ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ହରିଜନ 88 ଆଇନ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ଆମର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ଏବଂ ମନମୋହନ ସିଂ ସମୟରେ ଯେ ଯେ ଚାଉଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଦେବା 2 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ସେ ଘରେ ଘରେ ଏସବୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋକତି ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଟା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାହାକୁ ପୋକତି ଗାଡ଼ି କହନ୍ତି, ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେବଳ କଂଗ୍ରେସର ମଥାରେ ହିଁ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ତେଣୁକରି ଏସବୁ ବିଷୟ ନେଇକରି ଆମେ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଚାର କରିକି ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏବେ ଯେହେତୁ ନିକଟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି ଏବଂ ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମର ମତ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର କହିବା କଥା ହେଲା, ଯେହେତୁ ଆର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ NS ନିର୍ବାଚନରେ, ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଏ କଥାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇ ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନରେ ଏ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଭାବ କିଛି ଆଗେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯେତେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧରଣର ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ସେ ଟଙ୍କା ହିଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ଗାଁ ଗହଳ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଭାବ ଯେହେତୁ NSE କିମ୍ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ସେ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଆଉ ଶାସନ ଦଳର କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏ ରହିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଅନୁଭବୀ ନେତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ, ଯେହେତୁ ସେ କୋଦଳା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେ ଚେହେରା କରୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ସେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ଗଞ୍ଜାମ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।